फिर आप गाड़ी निकाल, ओए देखो देखो देखे इतनी ठंडी हवा है यार। गाड़ी निकालें, गाड़ी पे चलते हैं, ठीक है? नहीं प्लीज यार, पैदल जाने की। जी तो आपने आइसक्रीम पीना है यार, मुझे चिप्स तो ला दो इधर फ्राई। ये देख लो, अब आप अम्मी ने आपको कहा है कि ये ओपन नहीं करना, आपने अम्मी का वॉलेट ओपन किया और पैसों के साथ आप खेल रहे हैं। मजे के करेले कोफ्ते रेडी है जनाब। ये बैग शेक ला के मैंने रखी हुई है, सामान पैक करनी है, जूती पैक करनी है, कुछ समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समी उस्मान। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई है। हाँ जी आयान की भी मॉर्निंग हो गई है, उठते ही बिस्किट खाने लग गया। आपको पता है सबसे पहले सुबह जब उठती है ना, ब्रश वगैरह करके बिस्किट नहीं खाते, कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे पराठा हो गया, ब्रेड हो गई, इस तरह की चीजें। ओके नहीं ओके नहीं ओके, बस बच्चों ने तो अपना ही। और इधर की भी मॉर्निंग हो गई है, वो फीडर मुंह में लेके बैठी हुई है। और मैंने अब करनी है आज पूरे घर की सफाई, क्योंकि घर जो है बहुत ही गंदा बच्चों ने किया है। और कल हमारे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लशपश करना है, मतलब टच देना है, लशपश ही है, टच देना है सफाई का। और आज अब मैं उठी हूँ, फेस वॉश वगैरह किया, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, उसके बाद फिर देखेंगे सारा काम शाम वाइंड अप करके फिर हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं कि नहीं। अयान से पूछ लेते हैं, अयान आपने आउटिंग पे कहीं जाना है? जी। किधर जाना है आज? आउटिंग पे। पहले ये बहुत सारा जो गंद पड़ा हुआ है घर का सारा साफ कर लें, फिर हम जाएंगे, ठीक है? जी। ओके डन डन जी। गाइस काम शाम साथ साथ हो रहा है, मशीन भी लगाई हुई है, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ साथ सफाई भी हो रही है, साथ साथ किचन में भी काम हो रहा है यार, बहुत काम है। बस ये थोड़े से कपड़े रह गए वॉश होने के लिए, ये हो जाए, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट काम करेंगे। और यहाँ जनाब बैठे आराम से सुकून से काम कर रहे हैं अपना, इनको नहीं पता कोई काम है, मैं काम करा दूँ। लेकिन वैसे ये है कि इनका अपना ही काम बहुत होता है कि इनको टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए फिर मैं भी इनको तंग नहीं करती, है ना? मैं आपको तंग नहीं करती ना काम के लिए, जो अपना काम करो। और देख लो यार, ये ऐसे कहते हैं मुझे, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कोई लिफ्ट नहीं कराते। और मेरा बिल्लू जो है, मेरा एयान, वो बाहर बालकनी में खेल रहा है। लो जी इरहा भी मस्त है, पानी के साथ खेल रही है, एयान भी मस्त। और अच्छा 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 जी गाइस, काम के साथ साथ मैंने कहा मौसम को भी जरा एंजॉय कर ले, मौसम बहुत रोमांटिक है यार। ये देखें आज हमने लगा ली मशीन गलती से, और अब कपड़े वगैरह इधर डाले हैं, लेकिन अब ये भी डर है कि बारिश से सारे गीले ना हो जाए, इसलिए नजर रख रही हूँ कि बारिश ना, जैसे बारिश हुई तो जाके हमने फटाफट यहाँ से आके उतार लेने। बहुत ठंडी हवा है, बहुत मजे का मौसम है, दिल कर रहा है बाहर कहीं आउटिंग पे जाएं, लेकिन अभी उस्मान बिजी है जिसकी वजह से अभी जा नहीं सकते। और अब मैंने करनी है अपनी पैकिंग, लाहौर जाने के लिए पैकिंग करनी है। ओह माय गॉड जानी, मौसम तो चेक करो यार, ये देखो मेरी जुल्फे कैसे हिल रही है। अच्छा जी, तो अब हमने करनी है पैकिंग, अब ये जरा दरवाजा बंद कर लें, ठाठा बच के कान खराब करे वो बाइक, और बच्चे भी बिजी हैं। ये देख लो, अब आप अम्मी ने आपको कहा है कि ये ओपन नहीं करना, आपने अम्मी का वॉलेट ओपन किया और पैसों के साथ आप खेल रहे हो। इरहा ये सारे पैसे रखो इसके अंदर, नहीं ये फट जाएंगे। वो देख लो, आपने अम्मी का कार्ड भी निकाल लिया, जल्दी से अंदर रखे, नहीं तो मैंने अम्मी को बता देना है। बस ठीक है, यही ये बाबा का कार्ड समझे, लेकिन जनाब ये अम्मी का कार्ड है। अच्छा जी ठीक है, खेलो, जब अम्मी से मार पड़ेगी फिर ये टिकेंगे। और अब मैं आ गई हूँ पैकिंग करने, यार बहुत ही ज़्यादा काम है जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सामान भी पैक करना है, एक बैग मैंने पैक ऑलरेडी कर लिया, अब दूसरा बैग पैक कर रही हूँ, उसके बाद मुझे लग रहा है कि तीसरा बैग भी रेडी होना है। यार पता क्या, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तब बहुत ही ज़्यादा सफ़र के लिए ना पैकिंग करनी पड़ती है, बच्चों के कपड़े, बच्चों के पैम्पर, बच्चों के फीडर और छोटी मोटी चीज़ें, पाउडर, ये वो ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या। और मैंने अपना मेकअप भी रख लिया, मैं अपनी चीज़ें याद कर रही हूँ कि मेरी क्या क्या रह गई है। मेरा मेकअप भी हो गया है, जूतियाँ रह गई हैं, जूतियाँ रखनी हैं। सफ़र का यही बहुत मसला है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी रहते हो ना, तो यार पैकिंग में बहुत ही मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं। ये बैग शेक ला के मैंने रखी हुई है, सामान पैक करनी है, जूती पैक करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, बाकी सारे हैंग कर दिए जो नहीं चाहिए। फाइनली पैकिंग मेरी डन हो गई है, और अब मैंने
पैकिंग करते करते मुझे ये नजर आया, मैंने ये रखे हैं टॉप्स हैं और ये मैंने इरहा के कान बनवाने हैं अब जब मैंने लाहौर जाना है। सच याद आया, मैंने तो उस्मान को बताया नहीं, उस्मान को बताते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, वो ये देखें ये कैसे है टॉप। पहले दिखा दिए थे ये? नहीं अभी नहीं दिखाए, वो मेरे अरे वो मेरे पहले दिखाए थे, मैंने कहना था अब मैंने लाहौर जाना ना तो मैंने इरहा के ना कान बनवाने हैं और ये मैंने प्यारे से ये जो टॉप्स है ना ये पहनाने हैं। ठीक है, आधे घंटे पहले तुमने दिखा दिए थे, पता नहीं कौन से दिखा दिए थे, आ गई वो। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप इजाजत दें तो मैं इरहा के कान बनवा दूं। इरहा ये मम्मा आधे घंटे पहले मुझे दिखा दिए थे ये, पहले मामा को बताओ तो मामा दिखाए थे बाबा को। बाबा भूल गए, बाबा की याद इस पर हो रहा है। अच्छा मुझे बताए, ठीक है इसके मैंने कान बनवाने हैं, मुझे दे देना मैं बेच लूंगा, अल्लाह माफ करे, जरूरत पूरी हो जाएगी। यार क्या इसका क्या मिलना है, छोटे छोटे उसका वो देख ले, अब वो भाग रही है लेके। ओ माय गॉड ये क्या कर, नहीं 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 ये नहीं निकालने, दे दो बाबा। नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे शिकायत ना लगाना कि मेरी बेटी को आई हुई है। ठीक है इरहा, आर यू रेडी? मुझे आई हो पहले। और माँ जगह जाए, मेरे बेटे को तो अच्छी आई हो जाती है। नहीं ये छोने बहना की है, बहना को पहनाएंगे। ओके हम आए हैं किचन में, खाना भी रेडी है। आज हमने क्या बनाया, करेले कोफ्ते बनाए हैं और अब हम खाना खाएंगे। मजे मजे के करेले कोफ्ते रेडी है जनाब, इस खाना शाना भी हो गया और अब उस्मान उठ के आए हैं बाहर देखने के लिए। मौसम जब हो गया रात, ये हमेशा उठते हैं उस टाइम जब, अच्छा जब हर टाइम बंद हो, हर चीज मतलब हर चीज बंद हो जाती है और फिर उठते हैं, देखते हैं बाहर अंधेरा हुआ होता है, रात हुई होती है और अब रात के टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पे खुला होना और अब देख रहे हैं क्या करूँ। क्या सोच रहे हैं, क्या फायदा रात के टाइम आपका बाहर आने का, बताए ना जरा। जब रात हो जाती है तब बाहर निकलते हैं, क्या फायदा मुझे बस ये बता दे। सुकून लेने के लिए, सुकून। और हमें जो सुकून चाहिए वो कब से हम आपको कह रहे हैं हमें बाहर ले जाओ, ठंडी हवाएं चल रही, इसलिए तो कह रहे हैं चले। अच्छा मेरी बात तो सुने, सबको ले चलते हैं आए बाहर ऐसे ही आउटिंग पे, ठंडी हवाएं लेनी है, जरूरी नहीं है चले, लेकिन प्लीज पैदल नहीं, कल आपने बहुत चलाया हमें, कल आपने बहुत चलाया, आज नहीं मैंने ये रिस्क लेना। नो यार पैदल नहीं चलना, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल ले, ये दो बच्चों के साथ नहीं चला जाता जाने, पैदल जाना। नो बोलो नो, को गाड़ी पे जाएंगे, यार बोलो गाड़ी पे जाएंगे, ये देख लो आप दोनों, अब देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है यार, वाकई बहुत अच्छा मौसम। चलो फिर आप गाड़ी निकालो, ये देखो देखो देखे कितनी ठंडी हवा है यार, गाड़ी निकालें, गाड़ी पे चलते हैं। ठीक है नहीं प्लीज यार पैदल जाने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। नो नो मैंने आज बहुत काम किया, मैं थक गई हूँ, सो प्लीज कम ऑन। लो जी अंदर आते कहते हैं जी 11:30 हो गए हैं, यहाँ पे कहाँ जाना है, हर चीज बंद है। नहीं तो फिर बच्चों को सुला लेते हैं, यही हो सकता और क्या होना है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। फाइनली हम जाने लगे, चलो यार फाइनली इन्होंने कहा है चलो बाहर चलते हैं घूमने, अब देखते हैं क्या कहाँ जाते हैं ये नहीं पता, और अब हम जा रहे हैं। गाड़ी निकाल ली है और मैंने लॉक शॉक भी लगा लिया और अब हम जाने लगे हैं बाहर। बहुत मजा आया ये को बाहर जाने के लिए, बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आता, यान को भी आता। अच्छा ठीक है, फाइनल हम पहुंच गए हैं F9 आए ना हम, चले अब कुछ खाएं पिएंगे। यहाँ पे तो अच्छी हासिल होना, कह भी कह रहे थे कि ये सारा बंद हो जाता है, ड्रामे करते हैं जी। तो आपने आइस शेक पीना है यार, मुझे चिप्स तो ला दो इधर, फ्राइज तो ला दो हमें, मैंने फ्राइज खानी है चाहे वो सामने है। बहुत ही मजे का मौसम है यार, मैंने तो फ्राइज खाई है और अब उठ के जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना भी है। गाइस अब हम घर आ गए हैं और इरहा जो है वो रास्ते में सो गई थी, उसको लटा दिया, अयान नहीं सोया, उसको सुलाने में अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी जनाब आज आपको इंजॉय, आते ही आपने अपने काम करने लग जाने, आज आपने एंजॉय किया? नो ये क्या था, सही बताया ना यार आगे, मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि आज फर्स्ट टाइम खुद ड्राइव करके इतनी दूर हमें लेके गए हैं और आज कहते हैं ना वो चस आ गई, वो आ गई, अब ठंड लग रही है बाहर से ऐसे होके आके, सही है पहन ले पहन ले। जी गाइस अब बच्चे भी सुला दिए और अब मेरी आंखें भी फुल नींद वाली हो गई है, मुझे भी नींद आ गई है,
इसलिए अब मैं रात के, आपको पता है कितना टाइम हो गया, रात के 3:30 हो गए हैं। ओ माय गॉड 3:30 हो गए और आंखों का देखे नीचे डार्क सर्कल भी इतने हुए हुए हैं। सोऊंगी टाइम से तो जल्दी उठूंगी। अच्छा जी, तो गाइस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें यार जल्दी से। और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, बाय बाय, सी यू लेटर।